सॉरी माँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। वो क्या है ना, मेरी नानी ने, दादी ने, माँ ने, यहाँ तक कि सभी ने मुझे यही कहना सिखाया है। सो आप समझ लेना। शुरू करती हूँ। अलग थाली, अलग बिस्तर, अलग सबसे बिठाया है। अलग थाली, अलग बिस्तर, अलग सबसे बिठाया है। माँ ने आज उसको सबको बीमार बताया है। पूरा दिन अलग कमरे में उसने बिताया है। पूरा दिन अलग कमरे में उसने बिताया है। मंदिर में भी जाना उसने कुछ दिन निषेध करवाया है। सुनो 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 सुनो, आज फिर महीना आया है, आज फिर महीना आया है। बिलखती देखा बेटी को तो बाबा ने सवाल उठाया है। बिलखती देखा बेटी को तो बाबा ने सवाल उठाया है। माँ ने नजर झुका के पेट में दर्द बताया है। भाई प्यारा बोले दवाई लाया है। भाई प्यारा बोले दवाई लाया है। माँ ने गुस्से में आकर कहा कि हमने भी तो साथा, तुमने क्यों तमाशा लगाया है। आखिर हमने भी तो साथा, तुमने क्यों तमाशा बनाया है। कर लो ढोंग, दवाई मत खाना और शांत रहो, अच्छा नहीं लगता। आज फिर एक माँ ने बेटी को दर्द सहना सिखाया है। सुनो सुनो सुनो, आज फिर महीना आया है, आज फिर महीना आया है। पूजा नहीं किया तुमने, अरे कमरे में क्यों हो, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, अरे आज पढ़ने क्यों नहीं गए। न जाने से कितने सवालों का मैंने और मेरी माँ ने मिलकर बोझ उठाया है। मेरी चुप्पी पर मेरी माँ के बहाने बनाना, मेरी चुप्पी पर मेरी माँ के बहाने बनाना और मेरा सिर सहसी का झुक जाना, इसे कई जिल्लतों ने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। सुनो सुनो सुनो, आज फिर महीना आया है, आज फिर महीना आया है। पीरियड्स, महीने, उन दिनों, और हम गर्ल्स कभी कभी कुछ कोड वर्ड्स भी रख लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, सैनिटरी पैड का सबसे पहला नाम ही विस्पर था, जिसका क्या मतलब होता है, कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाना। न जाने क्यों लोगों के शुरू से ऐसी मेंटालिटी क्रिएट हो रखी है कि हम लड़कियां कुछ कह नहीं सकती जब हमें पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम पीरियड्स में हैं। पीरियड्स आर नॉट इजी, वी ब्लीड 4 to 5 days एवरी ब्लडी मंथ। इतना ही नहीं, वॉमिटिंग, ब्लैडर पेन, बैक पेन, समटाइम फीवर ऑल्सो, ये सब कुछ हम सब